जब तक तुम अपने बुरा चाहने वालों से अच्छा सलूक नहीं करोगे, तुम नेकी के बुलंद दर्जात नहीं पा सकते। इल्म तो बहुत है मगर उम्र कम है, तो वो सीखो जिससे सब इल्म आ जाए। जब किसी शख्स को उसकी औकात से ज़्यादा दौलत मिल जाती है तो वो लोगों से बुरा सलूक करना शुरू कर देता है। जो चीज़ें नुकसान करने वाली हैं उनसे परहेज़ करने वाले कम हैं, और जो नुकसान पहुंचा चुकी हैं उनसे शिफा चाहने वाले बहुत ज़्यादा हैं। तुम अगर अवाम को काबू में रखना चाहते हो तो अपने नफ्स को काबू में रखो। दो भाइयों में दुश्मनी ना डाल कि वो मामूली बात पर सुलह कर लेंगे और तुझे बुराई हासिल होगी। उस शख्स को मुलाजिम रखो जो ईमानदार हो और काम की समझ बूझ रखता हो। उसमें किसी की सिफारिश कबूल मत करो। अदल से बेबहरा हुक्मरानों पर जल्द ही तबाही आ जाती है। जो शख्स इल्म रखे और उस पर अमल ना करे वो एक बीमार की तरह है जिसके पास दवाई तो है मगर इलाज नहीं। जो शख्स अपने माल को बेजा खर्च करता है जल्द गरीब हो जाता है। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर फरमा दें। शुक्रिया।